Hey everyone, Sat Sri Akal ji saryan nu. This is Arun Gitaria present in this vlog right now. First of all, let's roll the intro. Arey bo wali nahi. This is not a video for Arun Doshis. This is a personal video. So isme dusri wali intro. सो हे गाइज, अरुण कटारिया है। सो यार बेसिकली काफ़ी टाइम हो गया था, पिछली कई सारी वीडियोज़ मेरी वो फॉर द कंपनी अरुण ओवरसीज, बट मेरी एक पर्सनल लेवल पे काफ़ी टाइम से एक वीडियो नहीं बनाई थी। सो मैंने सोचा कि यार 2022 ख़त्म हो रहा है, सो वाई नॉट मैं एक वीडियो बनाऊँ हम सब के लिए। सो दिस इज़ अ वीडियो कि मैंने 2022 द ईयर 2022 उससे मैंने क्या सब सीखा। सो आई डिड लिस्ट सम थिंग्स डन एंड हियर आर देम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वन थिंग आई रियलाइज यार, जब 2022 स्टार्ट हुआ था ना, मैंने ऑडियो बुक्स सुनना शुरू कर दिया था। मुझे ना बुक्स पढ़ने की बहुत आदत है, बट मैंने अपने एक्सीडेंट के बाद, दैट वाज इन 2021, मैंने ऑडियो बुक्स डिस्कवर करी एंड आई फेल इन लव विद देम। बट 2022 में आई ड्रॉप द आइडिया ऑफ लिसनिंग टू ऑडियो बुक्स। अब मैं सिर्फ फिजिकल बुक्स पढ़ता हूँ। बट वाई? सो यार उसका रीज़न ये था कि आई बिकेम सो यूज टू लिसनिंग टू ऑडियो बुक्स कि मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ कि मैं ऑडियो बुक्स सुन रहा था और सुनते सुनते या ट्रैवल करते करते मैं सो गया। एंड दैट इज़ नॉट हाउ यू वॉन्ट टू बी, बिकॉज टेक्निकली अब मैंने बुक सुनी भी हुई है, बट अगेन टेक्निकली मुझे घंटा नहीं पता उस बुक के बारे में। सो दैट इज़ वाई मैंने सोचा कि नहीं यार, बुक्स कम पढ़ लेंगे कोई बात नहीं, बट फिजिकल बुक्स ही रखेंगे। सो दैट इज़ वाई आई शिफ्टेड बैक टू फिजिकल कॉपीज ऑफ बुक्स। सेकेंडली यार, आई डोंट नो इस चीज़ की क्या टर्मिनोलॉजी होगी, बट बेसिकली आफ्टर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, आई वेंट थ्रू अ वेरी मेजर एक्सीडेंट विद इन 2021 एंड विद इन अ फ्यू मंथ्स ऑफ 2022, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, बट देर वॉज अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम बिफोर माई ऑफिस फॉर आर्यन ओवरसीज स्टार्टेड, जब मैं ना बड़ा डायरेक्शन लेस हो गया था लाइफ में। समझ सा नहीं आ रहा था यार क्या करूँ। हमारा एक और सीन भी चल रहा था जिसकी वजह से मुझे अब कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चीज़ों को डिले करना पड़ रहा था, बट वो मैं बाद में बताऊंगा। बट एनीवे, बड़ा डायरेक्शन लेस सा सीन हो गया था मेरा। बट आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द ऑफिस फाइनली मुझे ज़िंदगी में एक डायरेक्शन मिली, मुझे एक ज़िंदगी में मकसद मिला। सो आई फील ग्रेटफुल फॉर दैट कि फाइनली आई एम हेडेड टू समवेयर प्रोडक्टिव राइट नाउ। सो हाँ, ये चीज़ हुई मेरे साथ ज़रूर। एक और चीज़ यार, माय रिलेशन विद मनी चेंज्ड अ लॉट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यार, बेसिकली सीन पता है क्या है? ऑफकोर्स आई स्टिल एग्री टू द फैक्ट दैट मनी इज इम्पॉर्टेंट, नो डाउट, बट पहले मैं बहुत ज़्यादा ही मनी को चेज करने लग गया था। बट दिस ईयर आई वेंट टू कोयम्बटूर विद माई मॉम टू ईशा फाउंडेशन सेंटर बाई सदगुरु जी, एंड यार वहाँ पे जाके एंड इवेंचुअली उसके साथ, सिंस माय मॉम फॉलो स्पिरिचुअलिटी अलॉट, तो मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई यार कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इट इज़ इनर पीस, इट इज़ स्पिरिचुअलिटी, इट इज़ ऑल ऑफ दैट दैट मैटर्स अलॉट एज वेल। सो दैट थिंग आई एम ग्रेटफुल अबाउट, बिकॉज मुझे यार ये चीज़ रियलाइज हुई कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, उसके आगे एक बहुत बड़ी दुनिया है। पैसा बस आपको जीवित रखने के लिए और आपको एक अच्छी लाइफ देने के लिए ज़रूरी है, बट एक अच्छी लाइफ को काम का बनाने के लिए, एक अच्छी लाइफ को वर्थ लिविंग बनाने के लिए, पैसा इज़ नॉट द थिंग टू गो आफ्टर। सो या वन मोर थिंग आई रियलाइज, नॉट एवरीथिंग बिग और नॉट एवरीथिंग ऑन अ बिग स्केल इज स्मार्ट। एंड इसका एग्जाम्पल एक बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन टर्म्स ऑफ देयर मार्केट कैपिटल। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बट नॉट एवरी थिंग बिग इन टर्म्स ऑफ द बिग इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ द कंपनी, नॉट एवरी थिंग बिग इज स्मार्ट। वो कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से, आई एम श्योर आप में से सब लोग उसे यूज़ करते हैं, बट इट हैज़ टेकन सम रियली डम डिसीजन इन द पास्ट। सो दैट इज़ अ क्लियर प्रूफ टू मी कि यार हर बड़ी चीज़ ना सोच के या समझदारी से नहीं करी जाती। कुछ चीज़ें सरेआम बेवकूफ, चाहे उसे बेवकूफ़ी कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, पर देर वॉज डेफिनेटली अ बेटर वे टू डू इट। वन मोर थिंग आई रियलाइज वॉज ये, हालांकि 2021 और 2022 में दोनों में ही रियलाइज हुआ मुझे, बट इवेंचुअली रियलाइज होता रहा। सो दैट वुड बी कि द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री डज नॉट पे वेरी वेल unless you're a producer,
इसका एग्जांपल देता हूँ मैं। सो मैं उस आर्टिस्ट का नाम नहीं लूँगा। सो रिसेंटली क्या हुआ, मैं उस आर्टिस्ट को एक एयरपोर्ट पे एक फ्लाइट के दौरान मिल गया था। एंड यार आई वाज लाइक कि ठीक है यार, ये अच्छी बात है, हम मिल गए हैं, आई विल इनवाइट हिम कि आप अगर हमारी जगह पे आ सकते हैं, आई विल पे यू अ सर्टेन अमाउंट एंड आप हमारी जगह पे आके एक फंक्शन करवा दीजिए सो दैट हमारे स्टूडेंट जो उनके एंटरटेनमेंट हो जाएगा। एंड आई आस्क्ड हिम टू कोट अ प्राइस फॉर विच ही कोटेड मी अ प्राइस, जो मैं फिगर्स ऑफ कोर्स मैं रिवील नहीं करूँगा, बट द पॉइंट वॉज मुझे लगा था वो आर्टिस्ट काफ़ी बड़ा था। फॉर एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग आई वुड कॉल हिम द वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, वही बंदा प्ले करता था। एंड द अमाउंट ही कोटेड मी फॉर अ 1 to 2 hour शो ऑन स्टेज वॉज नथिंग। उस बंदे का नाम था इतना ज़्यादा और उस बंदे ने जो पैसे मांगे थे वो इतने से थे, आई वॉज लिटरली फ्लैबगैस्टेड बाई इट। फिर मुझे अपने फिल्म मेकिंग जब मैं पढ़ रहा था कॉलेज में, मुझे वो दिन याद आ गए। फिर मुझे वो पेमेंट्स याद आई कि यार फिल्म मेकिंग मन भरने के लिए काफ़ी है, जेब भरने के लिए काफ़ी नहीं है, अनलेस यूर अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के भर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। वन मोर थिंग आई रियलाइज, दिस वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल रियलाइजेशन आई वुड से, बट द होल वर्ल्ड राइट नाउ इज गोइंग थ्रू, इसको मैंने लिखा हुआ है, मैंने एक टर्म दिया इस चीज़ को, मैंने लिख लिया, मुझे था मैं भूल जाऊँगा। द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू माइग्रेशन बैलेंसिंग फिनोमेना राइट नाउ। इसका मतलब क्या है यार, इंडिया की मिनिमम वेज पता है किसी को कितनी है? इट इज़ 178 rupees पर डे, नो नॉट पर आवर, पर डे। एंड कैनेडा की लगभग, इंडियन करेंसी में कैनेडा की फॉर एग्जांपल है 1500 to 2000 के आसपास पर आवर। डू यू रियलाइज दैट, अगर आप दिन में 10 घंटे काम करते हो, इंडिया में मिनिमम आपको 200 के आसपास मिलेंगे, कैनेडा में 20,000 के आसपास मिलेंगे। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आई नो इसको, ऑफकोर्स मैं ये नहीं कह रहा इंडिया बुरी कंट्री है, इट ऑल द ट्रिब्यूट फॉर दिस गोज टू द इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्रीज, द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्रीज एंड द इनहेरिटेंस ऑफ द कंट्रीज एंड हाउ ऑल ऑफ दैट कम्बाइंड इज मैनेज्ड। सो उन सब चीज़ों को क्रेडिट जाता है, बट देर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस जो अब आफ्टर, स्पेशली आफ्टर 1970 जब से एरोप्लेन की इन्वेंशन हुई है, उसके बाद से उसको बिजनेस में कॉन्ग्लोमरेट करा गया, उसके बाद से आज के टाइम में इमिग्रेशन टू डिफरेंट कंट्रीज, चाहे वर्क वीज़ा पे जाएं, स्टडी वीज़ा पे जाएं, इन्वेस्टर वीज़ा पे जाएं, किसी भी तरह के वीज़ा पे किसी भी तरह वहाँ जाते हैं, बट द वर्ल्ड इज़ गोइंग थ्रू अ माइग्रेशन फिनोमेना राइट नाउ, स्पेशली फॉर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, चाइना एंड कंट्रीज क्लोज बाई टू देम, जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पे वेज बहुत कम है। टू अदर कंट्रीज जहाँ पे वेज ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, बिकॉज दीज थिंग्स नीड टू बी बैलेंस्ड आउट। एक और चीज़ यार, हमें ऑफिस, ये जो आर्यन्स ओवरसीज का ऑफिस है, हमें शुरू करे मोर देन अ मंथ हो गया। सो आई हैव बिन डूइंग अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज़ फॉर स्टाफ मेम्बर्स रिसेंटली, आई हैव डन मोर देन, आई गेस 50 से ज़्यादा लोगों को मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ अब तक फॉर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट ऑफ कोर्स। वन रियलाइजेशन, एक लाइन में ख़त्म करूँगा इस चीज़ को, इंडिया लैक्स स्किल्ड लेबर। हम हाँ ज़रूर ये चीज़ बोल दें कि इंडिया में तनख्वाहें अच्छी नहीं मिलती, फलाना ढमकाना, नो डाउट नहीं मिलती, एंड उसका ट्रिब्यूट इकोनॉमिक्स को ऑफकोर्स जाता है, बट इंडिया में ऑफकोर्स तनख्वाहें अच्छी नहीं मिलती, बट इंडिया में काम करने वाले लोग भी अच्छे नहीं मिलते, या फिर बहुत गिने चुने, बहुत रेयरली मिलते, और ये चीज़ मैं इंटरव्यू के थ्रू बोल सकते हैं। स्किल सेट होता है उनका इतना, एक्सपेक्टेशन उनकी सैलरी की होती है इतनी, बहुत बड़ा फ़र्क है। एक और रियलाइजेशन, आई डोंट नो, दिस इज़ अ वेरी वियर्ड रियलाइजेशन, आई डोंट नो इन लोगों की तादाद रिसेंटली बढ़ी है या फिर ऐसा है कि मैं रिसेंटली जैसे जैसे बड़ा हो रहा हूँ तो मुझे रियलाइज हो रहा है, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट ट्रू टू देयर वर्ड्स, दे आर नॉट मेन ऑफ देयर वर्ड्स, दे सिंपली दे, आई वोंट से दे डिनाई टू व्हाट दे से, बट दे डोंट डू व्हाट दे से, एंड दैट रियली बात खाती है अंदर से, क्योंकि कई बार उनमें वो लोग जो ऐसा करते हैं वो आपके बड़े करीबी दोस्त ही होते हैं, जो मैंने कई दोस्त थे जो स्कूल की बात नहीं करूँगा, तब तो सब छोटे ही थे, बट कॉलेज में कितने दोस्त ऐसे बनाए जिन्होंने बोला कुछ और करा कुछ और, एंड इट डजंट मेक सेंस, और कॉलेज के बाद भी ऑफकोर्स लोग बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। सो दैट वॉज अ वेरी क्लियर रियलाइजेशन आई हैड, एंड नाउ आई ट्रस्ट पीपल वेरी वेरी सिलेक्टिवली, मैं ट्रस्ट सिर्फ उन्हीं को करता हूँ जिनको मैं आजमा चुका होता हूँ, मैं बिना आजमाए बड़े, आई डोंट थिंक मैं किसी को ट्रस्ट करता हूँ अगर मैंने आजमा ले रखा हो एक बार भी। वन मोर रियलाइजेशन आई हैड, इट्स ओके टू लेट गो ऑफ थिंग्स इफ दे आर नॉट वर्किंग आउट। हाँ यार,
अपने ना इंडिया में बड़ा है कि कीप ट्राइंग, कीप हसलिंग, कीप ग्राइंडिंग, अगर एक बार नहीं कर सकते तो दो बार करो, वो दूसरी बार करो, तीसरी, चौथी, पांचवी। नहीं यार, अगर आप पांचवी बार कर रहे हो ना और वो चीज़ नहीं हो रही, ज़रूरी ये नहीं है कि आपने एफर्ट ठीक नहीं डाला। ऐसा भी हो सकता है कि अगली चीज़ हो ही नहीं रही, आपकी गलती नहीं है, क्या पता अगली चीज़ में दिक्कत हो, क्या पता वो होना चाहती ही ना हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाइपोथेटिकल स्टफ, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकलिटी। मेरे साथ काफ़ी रिसेंटली हुआ है, ये एग्जांपल देने जाऊंगा तो बहुत लंबी चली जाएगी ये वीडियो, बट इट्स ओके टू लेट गो ऑफ थिंग्स, बिकॉज कई बार वो आपको ही हर्ट कर रही होती हैं और वो चीज़ एक्चुअली कभी होने वाली होती, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई। वन मोर थिंग आई रियलाइज, सो यार बेसिकली मेरी वर्क, मेरी फिजिक गोल्स चेंज हो गए यार। बिफोर माई एक्सीडेंट 2021 मेरे गोल्स थे कि यार बॉडी शॉडी बनानी है, डोले मंडोले हर जगह भाई, ऐसे बाइसेप ट्राइसेप चेस्ट पैक्स। बट यार मेरे एक्सीडेंट के ऑफकोर्स नॉट एकदम से उसके बाद, बट अ कपल ऑफ मंथ्स आफ्टर दैट आई हैव रियलाइज कि यार क्या फ़ायदा इतनी बॉडी का। इन द एंड इट इज़ नॉट, ऑफकोर्स इट इज़ समथिंग आई इंस्पायर टू हैव, बट इट इज़ नॉट समथिंग आई कैन सस्टेन इन द लॉन्ग रन। मुझे ये नहीं चाहिए कि अभी एक साल में बॉडी बना लूँ फिर एक साल में ख़राब कर लूँ। मुझे ये है कि कोई बात नहीं, जैसी है वैसी सही है, आई लाइक माई बॉडी ऑनेस्टली, मुझे अपने शरीर से कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे ये है कि जो सेम शरीर है 40 साल बाद भी ये हो, 40 साल ये ना होना कि मैं कुछ और ही चल रहा हूँ ज़िंदगी में शरीर को लेके। सो आई वॉन्ट टू सस्टेन दिस बॉडी विद मिनिमम एफर्ट्स एंड मैक्सिमम आउटपुट्स। एक और स्मॉल रियलाइजेशन, सब जब से आर एम ओवरसीज का ऑफिस शुरू हुआ है, सो आई हैव बीन गोइंग टू द ऑफिस रेगुलरली फ्रॉम मंडे टू सैटरडे एट द मॉर्निंग 9 AM से लेकर शाम के 6 PM। एंड यार मेरे जितने भी दोस्त थे ना वो बताया करते थे, जॉब करा करते थे, वो कह रहे कि भाई बड़ा औखा काम है, बड़ा ये है वो है फलाना ढमकाना, यार करना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता था यार, क्योंकि वो कई सालों से जॉब कर रहे थे, मुझे लगता था कि यार सच में शायद औखा होता होगा, मैं अभी करता नहीं हूँ इसलिए मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा। बट यार मुझे रियलाइज़ हुआ पिछले एक महीने में, नहीं ये तो ऐसे ही बोल रहे थे, इतना भी मुश्किल, मतलब हाँ नो डाउट ये भी नहीं कह रहे कि बहुत ही आसान है, बट कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, मतलब इट इज़ अ वेरी डूएबल थिंग। सी दैट इज़ समथिंग आई डेफिनेटली एग्री टू। एक और चीज़, द बिगेस्ट, आई वोंट से दिस इज समथिंग आई लर्नड, बट आई वुड डेफिनेटली से दिस वॉज अ बिग थिंग दैट हैपेंड रिसेंटली। सो ओके, इसके लिए मेरे को आपको थोड़ी सी ना अपनी बैक स्टोरी बतानी पड़ेगी। सो यार मेरे पापा का नाम है डॉक्टर अंशु कटारिया, ही ओन्स आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हाँ हमारे यार, मतलब पापा के आज़म, पापा ने स्टार्ट करे हैं, हमारे कॉलेजेस हैं कुछ। बेसिकली मेरे पापा की मेहनत की वजह से इनहेरिटेंस अच्छी है, बट मेरे पापा की, हमारे दादाजी की वजह से ऑफकोर्स इनहेरिटेंस अच्छी हो सकती थी, बट बिकॉज ऑफ द पंजाब के रायट्स इन 1984 हमारे तब बिजनेसेस एकदम नीचे चले गए थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरे पापा को इनफैक्ट अपने स्कूल टाइम से लेके उसके बाद काफ़ी टाइम तक, अनलेस ही स्टार्टेड द बिजनेस स्कूल टाइम से, जॉब भी करनी पड़ी थी। सो बिकॉज ऑफ दैट ही हैड टू गेन अ लॉट ऑफ कैपिटल इन ऑर्डर टू स्टार्ट एंड मेक द बिजनेसेस वर्क, जिसके लिए उन्होंने बैंक से कुछ ज़्यादा लोन लिया हुआ था, जो पिछले आई थिंक 15 या 20 साल से सेटल नहीं हो रहा था। एंड वी वो ना एक मन पे बोझ सा पड़ा हुआ था, मेरे नहीं बट पापा की। बट इफ़ यू सी समवन इन योर फैमिली सफर एन इमोशनल पेन फ्रॉम एनीथिंग, यू वॉन्ट दैट पर्सन टू गेट आउट ऑफ इट एज सून एज पॉसिबल। तो मेरे मम्मा और मेरे पापा दोनों ही, उन दोनों पे वो लोन था, टेक्निकली ऑन पेपर मेरे पापा पे वो लोन था, बट वो इमोशनल पेन हमारी वही फैमिली पे था, विच वी रियली वॉन्टेड हिम टू गेट आउट ऑफ ए सैप। सो यार बेसिकली सीन क्या हुआ, ऑन September 23rd दिस ईयर 2022 फाइनली वो लोन अमाउंट सेटल हो गया। लकीली बहुत अच्छी बात है कि मेरे पापा फाइनली, मेरे पापा मम्मा मेरी पूरी फैमिली लोन फ्री होगी। अच्छा बाय द वे, मैं इसी चीज़ की बात पहले भी बताने वाला था कि जो मैंने बताया था ना कि मुझे बुरा फील हुआ करता था, बट हमें चीज़ें पुश करनी पड़ी थी बिजनेस की स्टार्ट करने से पहले, दैट वॉज बिकॉज ये उस टाइम पे ये लोन सेटल नहीं हुआ था, अभी लगभग आज से 2 या 3 महीने पहले September 23rd, 2022 में ही हुआ सेटल। सो उस दिन फाइनली ये सेटल हो गया। सो दैट वॉज जस्ट समथिंग गुड आई वॉन्टेड टू एंड दिस वीडियो विद। फाइनली माई डैड, माई मॉम, माई होल फैमिली, इट इज़ कम्प्लीटली लोन फ्री राइट नाउ, विच आई एम वेरी ग्लैड अबाउट। इट इज़ यार मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी फील होती है, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मतलब
यार मैंने ना अपने पापा से ज़्यादा कोई हार्ड वर्किंग बंदा नहीं देखा। मैं मुंबई में रहा हूँ, मैं बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ उठा बैठा हूँ, और ऐसा नहीं कि सिर्फ देखा है उन्हें दूर से, उनके साथ काम करे मैंने, उठा बैठा हूँ उनके साथ, बट स्टिल हैंड्स डाउन मेरे पापा वर्क्स फ्रॉम यार जब से उनकी आँखें खुलती हैं से लेके जब से लेके आँखें बंद होती हैं, देर इज़ नो ब्रेक्स माई फादर्स टेक। और मैंने जब से होश संभाला है इस शरीर ने, जब से मैं 2-3 साल का था, मैं तब से पापा का वो वर्किंग मोड देख रहा हूँ। सो आई एम फाइनली ग्लैड कि मैं पापा की वो हंसी देख सकता हूँ आफ्टर September 23rd। जब भी पापा हंसते हैं ना, खुल के हंसते हैं, और मुझे वो उनकी हंसी में इतनी खुशी मिलती है ना कि यार पापा फाइनली हंस रहे हैं खुल के, बहुत अच्छा लगता है मुझे। सो सीरियसली गाइज, दैट वॉज द गुड न्यूज़ आई वॉन्टेड टू एंड दिस वीडियो विद। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। Please like for the content, subscribe for the vibe. Bye bye.